मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 पर शीर्ष अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। मंगलवार 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 की एक याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय सभी स्टूडेंट्स के लिए नीट एग्जाम 2024 कैंसिल करने और नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। परीक्षा संचालित करने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो कहिए, हाँ ये गलती है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। कम से कम इससे लोगों का आप में विश्वास बनेगा। नीट में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली। नीट UG एग्जाम 2024 के तुरंत बाद से ही नीट पेपर लीक, नीट कैंसिल समेत जितनी याचिकाएं टॉप कोर्ट में लगाई गई हैं, उन सभी पर इकट्ठे सुनवाई की तारीख 8 जुलाई को दी गई। इस बीच नीट पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। देखिए नीट पर नेताओं ने क्या कहा। नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय NTA एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन NTA की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है, लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। ये परीक्षा का रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन निकाला गया 4 जून को। क्यों निकाला गया? क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट चुनावों के आ रहे थे, उस बीच ये रिजल्ट निकाला गया कि इसकी चर्चा ना होने पाए, इसके घोटाले की चर्चा ना होने पाए। दूसरी बात, 720 अंक पाने वाले 67 बच्चे, जो असंभव है अपने आप में। तीसरी बात, इसमें एक बच्ची ऐसी है गुजरात की जिसको एक नंबर मिला फिजिक्स में, वो टॉप कर जा रही है, 720 अंक पा रही है। चौथी बात, किसी को 718 अंक मिला, किसी को 719 अंक मिला, जो असंभव है, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका 4 अंक घटता है, और अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 5 अंक घटता है। यानी कि 716 अंक तो हो सकते हैं, 715 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 718-719 अंक नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। आज सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। ग्रेस मार्क्स हो या पेपर लीक के आरोप, नीट UG परीक्षा पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।